हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन का लास्ट फॉर्मूला 6 नंबर प्रूफ करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो देखो कैसे बनाएंगे फॉर्मूला। देखो आई इज इक्वल टू दिया है बच्चों डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसमें देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया था कि जब एक्स स्क्वायर प्लस वन रहे तो एक्स को आप क्या मानोगे, तो एक्स को टेन थीटा या कॉट थीटा मानेंगे। ठीक है, टेन थीटा या कॉट थीटा। ओके, और जब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहे तो एक्स को ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा मानना। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा वन होता है, और सेक स्क्वायर थीटा जब निकालोगे तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। उसी तरह जब कॉसेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आएगा। तो ये फार्मूला को बनाने के लिए हम ऐसा मानते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं x बराबर कितना a tan थीटा ही मानते हैं ना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब a tan थीटा माने तो इसका डिफरेंसिएशन करोगे तो डिफरेंसिएशन क्या हो जाएगा, dx बाय dx बराबर a d tan थीटा बाय d थीटा इंटू d थीटा बाय dx। तो ये वन हो गया a tan थीटा का डिफरेंसिएशन बच्चों sec स्क्वायर थीटा, और ये डी थीटा बाय डीएक्स। इसलिए डीएक्स बराबर देखो क्या लिखेंगे, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो देखो आई इज इक्वल टू डीएक्स की जगह लिख दो ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पे अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, ए टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ये देखो बच्चों क्या होगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अब प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर। तो इसे क्या लिखोगे, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, और ए स्क्वायर दोनों में हम क्या करेंगे, बाहर करेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बचेगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या करोगे, ए sec स्क्वायर थीटा डी थीटा रखेंगे, और यहाँ पे देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा ए, और अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे, क्योंकि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये डी थीटा तो लिखा हुआ है तो ए से ए कैंसिल कर दो, तो सेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों सेक थीटा डी थीटा, तो ए को सेक थीटा कैंसिल हो जाएगा तो सेक थीटा डी थीटा, और सेक थीटा का इंटीग्रेशन लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखोगे। ओके, अब देखो यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा निकालना हो तो इजीली हम लोग निकाल सकते हैं, ध्यान देंगे। यहाँ पर देखो एक्स को हमने माना ए टेन थीटा, तो टेन थीटा तो यहीं से निकल गया एक्स अपॉन कितना ए। फिर से देखो यहां से अब हमें सेक थीटा निकालना है। ठीक, तो लिखो सेक थीटा बराबर अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स अपॉन ए का होल स्क्वायर, तो ये वन प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या निकालोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए। तो यही चीज को यहाँ पे पुट कर दो, तो लॉग सेक थीटा का देखो वेल्यू क्या निकाले हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए, और टेन थीटा निकाल रहे हैं एक्स अपॉन ए। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे लॉग फिर एलसीएम हो जाएगा ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। फिर से हम यहाँ पे लॉग एम अपॉन एन को लॉग एम माइनस एन लिख सकते हैं, लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस लॉग ए। अब जैसा कि आप जान रहे हैं लॉग ए कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के जगह पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर हम प्लस सी लिख देते हैं, यही सी में ये लॉग ए क्या होगा, छिपा हुआ होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे आ गया ना डीएक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी, और ये लॉग ए जो है सी, चूंकि हमें क्या है ना ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन दिया है तो यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट एक्चुअली में डिफाइन नहीं होता है, तो हम इस लॉग ए एक्चुअली में वैल्यू होगा या नहीं ये एग्जैक्ट नहीं है, इसीलिए लॉग ए की जगह हम c
सी को लिख देते हैं, आप सी के अंदर कुछ भी वैल्यू आ सकते हैं। ओके, जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहां पे सी का वैल्यू भी निकालना सीखेंगे। देखो बच्चों, मैंने इंटीग्रल्स ऑफ सम पर्टिकुलर फंक्शन में जितने भी फॉर्मूलाज दिए गए हैं 1 to 6, ये सारा का सारा मैंने प्रूफ कर दिया। ठीक है, आप मेरे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लिंक में जाके देखिए कि मैंने क्लास 12 का एक फोल्डर बना के रखा है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए, तो उसमें आपको एक सीक्वेंस में ये सारे क्वेश्चंस का आंसर्स मिल जाएंगे जितने भी मैंने प्रूफिंग बताया है। इसके अलावा मैंने एक्सरसाइज 7.1, 2, 3 के सारे क्वेश्चंस को इससे पहले अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चंस को करेंगे। ओके, थैंक यू।